हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ लेटर्स तेलुगु, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज वाले हो चाहे सेकेंड लैंग्वेज वाले हो, एक लेटर का पैटर्न किस तरह होता है, बेसिक लेटर्स किस तरह होते हैं और इजी वे में लेटर्स को हमको किस तरह लिख सकते हैं, हम आसानी से सीखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम लोग जनरल लाइफ में हो या एजुकेशन में हो, लेटर्स कहीं पर भी हमको यूज़ होते हैं, कहीं ऑफिसर्स में यूज़ होते हैं, कहीं पर भी यूज़ होते हैं, तो इसलिए लेटर सीखना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में भी आप लिख सकते हैं, 8 मार्क्स आपको लेटर्स के मिलेंगे। तो ईजी वे में मैं समझाऊँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक लेटर, पहला लेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, 5 डेज की छुट्टी मांगते हुए आपके हेडमास्टर को एक लेटर लिखना है स्कूल में, 5 डेज की हॉलीडे। देखिए डेज कितने भी हो सकते हैं, 5 डेज हो सकते हैं, 8 डेज हो सकते हैं। एक चीज़ इसके अंदर याद रखिए आप कि लेटर का जो पैटर्न होता है वो सही रहना चाहिए, लेटर का रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। क्योंकि लेटर अगर आप देखेंगे तो आप डिक्टेट करेंगे, 3rd क्लास 4th क्लास का स्टूडेंट भी लेटर लिख सकता है, लेकिन लेटर का पैटर्न किस तरह होता है, लेटर के स्टेप्स किस तरह होते हैं और लेटर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह रहना चाहिए वो देखना है हम लोग। अब इसे तो आप देखते हैं, अगर इंग्लिश में आपको 2 टाइप्स के लेटर्स मिलेंगे, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर मिलेंगे। तेलुगु में भी इसी तरह के लेटर्स रहते हैं, पर्सनल लेटर ऑफिशियल लेटर, 2 तरीके के लेटर्स होते हैं इसके अंदर। अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिखना चाह रहे हैं तो उसके अंदर पूरे 5 स्टेप्स होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग स्कूल के लिए लीव लेटर वगैरह लिखते हैं उसके अंदर एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं पहले आपको इसका पैटर्न बताता हूँ। कभी भी अगर लेटर में लिख रहे हैं तो इस तरह आपका लेटर का क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए डेट और हैदराबाद। ये हो गया आपका स्टेप 1। ये अच्छी तरह याद रखिए आप स्टेप को। बिल्कुल यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डियर फ्रेंड या डियर फादर लिखते हैं हम लोग, डियर फ्रेंड। ये हो गया सेकंड पार्ट, इसके बराबर यहाँ। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये हो गया लेटर का बॉडी पार्ट, ये आपको लेटर का बॉडी पार्ट आप कह सकते हैं, ये हो गया लेटर का बॉडी पार्ट, ये लेटर का बॉडी पार्ट। बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर आप आएगा यू आर फेथफुल्ली, यू आर सिंसियरली लिखते हैं हम लोग, यू आर फेथफुल्ली, ये लिखेंगे हम। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगा एड्रेस। क्या आएगा यहाँ पर, एड्रेस आएगा। ये 5 स्टेप्स बराबर है, 1st स्टेप 2nd स्टेप 3rd स्टेप 4th स्टेप 5th स्टेप। ये तेलुगु के लेटर के पैटर्न है, इसी तरह लेटर हमको लिखना है। कौन से लेटर में, सिर्फ लीव लेटर में, एक ही लेटर में हमको ये एड्रेस नहीं आएगा, रिमेनिंग पूरे स्टेप्स बराबर आपके आएंगे। लेकिन दूसरे जो लेटर्स लिखते हैं आप उसके अंदर आपको ज़रूर स्टेप्स को देखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेटर नंबर 1। 5 डेज की छुट्टी मांगते हुए आपके हेडमास्टर को एक लेटर लिखिए। देखिए एग्जाम में 5 डेज दे सकता है, 3 डेज दे सकता है, 8 डेज दे सकता है, सिर्फ डेज चेंज हो जाएंगे, डेज जो है वो चेंज होंगे, लेटर का पैटर्न एज इट इज़ रहेगा। तेलुगु में इसको कहते हैं सेलवु पत्रमु कहते हैं, लीव लेटर सेलवु पत्रमु, इंग्लिश में हो गया लीव लेटर, लीव लेटर। सबसे पहले इधर आ जाएगा तेदी, यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, कोई भी डेट आप लिख सकते हैं, आज की डेट 6/8/2021 डेट यहाँ पर हम लिख दिए। यहाँ पर इस वाले स्टेप पे यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए उपाध्यायुलु, उपाध्यायुनिकि या नेम भी आप लिख सकते हैं। ये लाइन के नीचे आना चाहिए, ये लाइन के बराबर नहीं आना चाहिए, उपाध्यायुनिकि। यहाँ पर लिख सकते हैं नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, यहाँ पर नाम लिखे हम, यहाँ पे कॉमा, ये मेरे सर का नाम है, यह लिखे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्कूल का नेम पाठशाला पेरू, यहाँ पर जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वहाँ पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा,
मेरे स्कूल का नाम लिख रहा हूँ मैं, जेड पी पी एच एस हाई स्कूल, जेड पी पी एच हाई स्कूल, ये आ जाएगा। उसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर प्रांतम, जगह कौन सी जगह है वो लिखना है यहाँ पे। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कौकुंटला, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। देखिए ये लेटर में दो चीज़ें लिख सकते हैं, एक हम आर्या लिख सकते हैं, आर्या सर, या अय्या भी लिख सकते हैं, अय्या, ये तो आर्या लिखेंगे हम फिल वक्त यहाँ पे, आर्या टू द सर। यहाँ पे नेनु मनवि चेयडमु ఏమనగా, ये लाइन के इस तरफ से स्टार्ट हो बॉडी पार्ट। अब यहां से लाइन इसको इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, నేను నేను మనవి చేయడమేనగా నేను ఐదు రోజులు పాఠశాలకు రాలేను, నాకు పని ఉన్నందున కనుక తమరు సెలవు ఇవ్వగలరని మనవి। ये हो गया बॉडी पार्ट। बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं, इतना भी आप लिख सकते हैं। నేను మనవి చేయడం ఏమనగా, మై ఆఫ్సర్ రిక్వెస్ట్ కర్ రహా హూ, నేను ఐదు రోజులు పాఠశాలకు రాలేను, మై ఫైవ్ డేస్ స్కూల్ కో నహీ ఆ సక్తా, నాకు పని ఉన్నందున, క్యూ నహీ ఆ సక్తే, ముజ్కో కామ్ హే, కనుక తమరు సెలవు ఇవ్వగలరని మనవి, ఇస్లే ఆప్ ముజ్కో శాంక్షన్ కరెంగే లీవ్ బోల్ కర్ మై ఆఫ్సర్ రిక్వెస్ట్ కర్ రహా హూ। ఇస్కో బహుత్ సారా ఇతనా బోర్డ్ ఫుల్ భీ హమ్ లిఖ్ సక్తే హే, లేకిన్ హమ్కో బోర్డ్ ఫుల్ లిఖనా మ్యాటర్ నహీ హే, मैटर हम क्या बोलना चाहते हैं लेटर के, अगर लेटर के अंदर जो हम रीज़न बताना चाहते हैं वो रीज़न आ गया, या लेटर का बॉडी पार्ट बराबर आ गया, तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। इसको चाहे तो बहुत लंबा भी आप कर सकते हैं। आपको तेलुगु नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी, तेलुगु आती तो आप चाहे दो पेज भी आप लेटर लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इटलू मी विधेयुडू, आपका स्टूडेंट, अगर फीमेल रहा तो मी विधेयु रालू होता, विधेयु रालू, डू की जगह रालू, विधेयु रालू, याद रखना आप। उसके बाद यहाँ पे नेम कुछ भी नहीं लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिखेंगे, एक्स वाई जेड पादावा तरगति, ये हो गया लिव आपका लेटर। इस तरह आप लिव लेटर आप सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आप नेक्स्ट सेकेंड लेसन लेटर देखिए, वहाँ पर सेकेंड लेटर क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहां पर सेकेंड लेटर मीरु चूसिना प्रदेशालनु विवरिस्तु मी मित्रुनिकी ओका लेख रायंडी। अगर आप कहीं पर घूमने गए या स्कूल से कहीं पर पिकनिक गए, वहां पर कौन से चीजें देखे, वो चीजों को एक्सप्लेन करते हुए फ्रेंड को एक लेटर लिखिए। देखिए फ्रेंड के लेटर या फादर के लेटर में डिफरेंस होता है, मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। सबसे पहले पहला स्टेप इधर ले लेंगे हम, एज इट इज, तेदी 6/8/2021 यहां पर है। अब ये लेटर के अंदर कहां से लिख रहे हैं, यहां पर आ जाएगा हैदराबाद। एक स्टेप यहां पर एक्स्ट्रा हो रहा, ये हैदराबाद है, क्योंकि हम लिव लेटर में नहीं लिखे थे। इसके बराबर यहां पर प्रिय मित्रुनिकी, प्रिय मित्रुनिकी, अगर आप बड़ों को लिख रहे तो पूज्यलायना लिखना है यहां पे, पूज्यलायना, ये याद रखना आप, पूज्यलायना या प्रियमायना। हम हमारे से बराबर है, हमारे से छोटों को लिख रहे तो प्रियमायना, बड़ों को लिख रहे तो पूज्यलायना। तो यहां पर प्रिय मित्रुनिकी, प्यारे दोस्त, बॉडी पार्ट ये खत्म है, बाद इसको यहां से शुरू करना, इसके बराबर नहीं आना। यहां पर नेनु क्षेमम,
నీవు కూడా క్షేమమని తెలుస్తున్నాను. ये चाहे कोई भी लेटर में लिख सकते हैं, चाहे फ्रेंड का लेटर हो या फादर का लेटर हो या किसी और को लिख रहे हो तो ये लेटर आप लिख सकते हैं. सिर्फ ऑफिशियल लेटर छोड़कर, जैसा पुलिस स्टेशन को लिख रहे या पोस्ट ऑफिस को लिख रहे या एमसीएच को लिख रहे, ये नहीं लिखना, ये स्टेप बदल जाता. तो तेलुगु में ज़्यादातर पर्सनल लेटर आते हैं, इसलिए मैं वो भी लिखाऊंगा बाद में, पहले पर्सनल लेटर्स लिखेंगे हम. तो यहाँ पर मैं खैरियत से हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे बोलकर सोच रहा हूँ, ये हो गया. अब रीज़न क्या है इसके अंदर, आप क्या क्या देखे, कब गए, उसके बारे में आप लिखना है. यहाँ पर लिखना मेमु हम क्रिंदटी वारमु हम गुज़िश्ता हफ्ते प्रीवियस कब गए हम लोग प्रीवियस वीक में हैदराबाद. कहाँ गए लोग, हैदराबाद को वेल्लामु, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ पिकनिक जा के क्या क्या देखे वो लिखना है, इसलिए हैदराबाद गए. अब हैदराबाद में क्या क्या देखने को मिला वो आप लिखना है. यहाँ पर अक्कड़ा, वहाँ पर प्राचीन कट्टडालु पुराने इमारतें कट्टडालु, क्या क्या देखे, गोलकुंडा, सालार जंग म्यूजियम, और गोलकुंडा सालार जंग म्यूजियम, और क्या दिया यहाँ पे, सेवन टर्म्स भी देखे, और जू पार्क भी देख सकते हैं. जू पार्क, इसको आप जंतु प्रदर्शनशाला बोलते हैं तेलुगु में. उसके बाद मोदलगु एटसेट्रा, चूशामो चाला आनंदम कलिगिंदी, बहुत खुशी हुई, बस खत्म, इतना ही. और बहुत बड़ा कर सकते हैं आप चाहे तो, बहुत लंबा एक पूरा बोर्ड भर सकते हैं, दो पेजेस भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिखना चाहते हैं, लेकिन हमको जितना लिखना है उतना ही हमको लिखना. क्या कह रहा है, हम गुज़िश्ता हफ्ते गए थे हैदराबाद, वहाँ पर क्या क्या देखे, अक्कड़ा, प्राचीन कट्टड़ालु पुराने इमारतें, गोलकोंडा, सालार जंग म्यूजियम और जू पार्क, और चार मीनार से हैदराबाद की पहचान, चार मीनार मोदलगु चूशामु, और भी देखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. चार मीनार, चूशामु, चाला आनंदम कलगिंदी, बहुत खुशी हुई, ये हो गया पैटर्न. अब यहाँ पर क्या करना, इटलू नी मित्रुडु, आपका दोस्त, नी मित्रुडु एक्स वाई जेड, ये पैटर्न घर आ गया, ये हम यहाँ पर ले लेंगे, ये बॉक्स हो गया. इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आएंगे एड्रेस, यहाँ पर लिखना है चिरुनामा, एड्रेस, किसका चिरुनामा आना चाहिए, टू एड्रेस आना चाहिए. आप इंग्लिश में देखेंगे तो फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस बाजू बाजू में ले सकते हैं, लेकिन तेलुगु में यहाँ पर टू एड्रेस यहाँ पर आना है. टू एड्रेस में क्या आएगा, देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे लिख सकते हैं बी सत्तैया, ये लिखे सिद्धुलूरु विकाराबाद, ये एड्रेस हो गया. चाहे कोई भी एड्रेस यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ये एड्रेस डालना जरूरी है. इस तरह आप लिख सकते हैं, क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया उम्मीद. चलिए नेक्स्ट एक लेसन, थर्ड लेटर देखिए. ఫీజు చెల్లించుటకు డబ్బులు పంపమని మీ నాన్నగారికి లేఖ వ్రాయండి. స్కూల్ మే ఫీజ్ భర్నే కే లియే పైసే భేజో కహకర్ రిక్వెస్ట్ కర్తే హువే అప్నే ఫాదర్ కో లెటర్ లిఖనా. ఏ బి ఏక్ ఇంపార్టెంట్ లెటర్ హై. తో యహాన్ పర్ మే జైసా బతాయా థా ఫ్రెండ్ లెటర్ మే యాజ్ ఇట్ ఇజ్ ఆయేగా, స్టెప్ యహాన్ పర్ చేంజ్ నహీ హోగా, థర్డ్ లెటర్ హై యే. ఫస్ట్ స్టెప్ క్యా లిఖే థే హమ్ లోగ్ యహాన్ పర్, తేది క్యా థా యహాన్ పే, 6/8/2021, ये हैदराबाद, ये भी एज इट एज आएगा. ये सभी लेटर में एज इट इज, चाहे फादर को लिखिए चाहे आप फ्रेंड को लिखिए, ये हो गया.
अब इसके बाद यहाँ पर ले सकते हैं, देखिए हम फादर को लिख रहे तो पूज्यूलैना लिखना है, पूज्यूलैना, पूज्यूलैना नान्नगारिकी, माई डियर फादर, रेस्पेक्टेड फादर, ये हम लोग लिखे। फ्रेंड को क्या लिखे थे हम लोग, प्रिय मायना लिखे थे। फादर को क्या लिख रहे, पूज्यूलैना नान्नगारिकी। अब यहाँ पे जो स्टेप हम जो लिखे थे फ्रेंड में, यहाँ पर भी वही लिखेंगे, नेनु क्षेमम, नीवु कूड़ा क्षेममनि తెలుస్తున్నాను, ये सभी लेटर्स में ये आएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, रीज़न क्या है लिखना है। अब रीज़न क्या है इसके अंदर, कि आप फीस नहीं पे करें फीस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, नेनु పాఠశాలలో ఫీజు చెల్లించలేను, मैं स्कूल में फीस नहीं पे किया, కావున తమరు దయతలచి ఫీజు పంపగలరని ఆశిస్తున్నాను। बस, और बड़ा भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखे हम लोग, నేను పాఠశాలలో ఫీజు చెల్లించలేదు, मैं स्कूल में फीस नहीं पे किया, కావున इसीलिए తమరు దయతలచి ఫీజు పంపగలరని ఆశిస్తున్నాను, आप मेहरबानी करके फीस भेजेंगे बोलकर मैं सोच रहा हूँ। आगे लिख सकते हैं, अगर आप भेजे बाद मैं दूंगा, ये सब भी आप लिख सकते हैं, इतना भी आपके लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इट्लु नी पुत्रुडु, नी पुत्रुडु एक्स वाई जेड, लड़का आया तो पुत्रुडु, लड़की आया तो पुत्रिका लिख सकते हैं, कुमारुडु भी लिख सकते हैं, अगर फीमेल आया तो कुमारी भी लिख सकते हैं, आपका लड़का। ये हो गया एक वर्ड पार्ट। इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर चिरुनामा आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा चिरुनामा, एड्रेस, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वी रघु राजेंद्र नगर तेलंगाना, ये एड्रेस हो गया। इस तरह आप ये लेटर को भी आप कंप्लीट कर सकते। चलिए नेक्स्ट फोर्थ लेटर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, मी पाठशालालो जरुपुकुन्ना गुरु दिनोत्सवमु विवरिस्तू मी मित्रुनिकि ओक लेख व्रायंडी, आपके स्कूल में टीचर्स डे आप किस तरह मनाए, क्या क्या करें, उसको एक्सप्लेन करते हुए फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। बहुत आसान है, अभी हम लिखे उसी तरह। यहाँ पर दोबारा से तेदी उसके बाद हैदराबाद दिया गया। अब दोस्त को लिख रहे तो प्रिय मित्रुनि की ये दोस्त हो गया। अब ये स्टेप पूरे लेटर में एज इट इज आएगा, आप उतना याद कर लेंगे तो आपको काफी होगा। नेनु क्षेमम नीवु कूड़ा క్షేమమని తెలుస్తున్నాను, మై ఖైరియత్ సే హూ ఆప్ భీ ఖైరియత్, ఆర్ బహుత్ సారా లిఖ్ సక్తే, నేను బాగానే ఉన్నాను, నీ బాగు కోలు కోరుచున్నాను, ఇస్ తరహ కై ప్యాటర్న్స్ లిఖ్ సక్తే, కై మెథడ్స్ లిఖ్ సక్తే, ఈజీ హై సబ్సే। అబ్ యహాన్ పర్ లిఖ్నా, మేము ఈ సంవత్సరం गुरु वो दिनोत्सवम टीचर्स डे चाला बागा जरुपुकुन्नाम, माकु ओक्का रोजु
ఒక్కరోజు గురువు అయ్యే అవకాశం దొరికింది. बहुत बड़ा भी आप चाहे तो लिख सकते हैं. चाला आनंदम कलिगिंदे. अब क्या क्या करें सब आप लिख सकते हैं. यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिखा, नैनु क्षेमम, ये तो आपको मालूम है. मेमू ई संवत्सरम, हम लोग इस साल गुरुवि दिनोत्सवम, टीचर्स डे, गुरु पूजोत्सवम भी बोलते हैं, चाला बागा जरपनम, बहुत ग्रैंड का मनाए. माँ को ओकरोजु गुरु अये, हमको एक दिन टीचर बनने का अवकाशम दोरगिंदे, मौका मिला. चाला आनंदम करेगी, बहुत हमको खुशी हुई. और बहुत सारा मैटर भी आप लिख सकते हैं, इतना आपके लिए काफी है. यहाँ पर लिखेंगे इटलू नी मित्रुडु एक्स वाई जेड, ये हो गया. अब इसके नीचे यहाँ पे दोबारा चिरुनामा एड्रेस यहाँ पे आना. क्या लिखेंगे यहाँ पे, माँ सत्यमूर्ति. यहाँ पे लिखेंगे एक विलेज नेम सिद्धुलूरु. यहाँ पे लिखेंगे विकाराबाद. अब चाहे तो ऊरु, विलेज, मंडल सब लिख सकते हैं. तो ये लेटर आपका कंप्लीट हो गया. उम्मीद करता हूँ कि आपको लेटर समझ में आ गए होंगे. और कुछ लेटर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने की कोशिश करूँगा. बेस्ट ऑफ लक. तब तक आप चैनल पर लगातार बने रहिए. अगर कुछ आपके डाउट्स हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके